नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बात करने वाली है एक ऐसे टैलेंट की जो बचपन ही से ब्लाइंड है और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 अक्टूबर 1998 से है। तो भाई, उनकी जो म्यूजिक में जो इंटरेस्ट है, उनका जो म्यूजिक में जो नॉलेज है, एकदम जो है लोगों के एकदम जो है दिल जीत लेती है। जो भी इनको सुनता है वो बहता ही चला जाता है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मेनका पौडेल की, जिनकी जो भाई इतनी सुरीली आवाज है, जिनकी जो दिल की आंखें जो भाई अच्छे अच्छों की भाई होश उड़ा देती है। और कितना ही बड़ा सिंगर क्यों ना हो भाई, इनको माने बिना, इनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। और इनके अच्छे सारे कीर्तन है वो भी मैं इनको दिल से सुनता हूं। तो भाई, ये न सिर्फ नेपालीज के लिए, बल्कि नेपाल के लिए, बल्कि एक सारी दुनिया के लिए एक बहुत ही प्रीशियस एसेट है। तो दोस्तों, जैसा कि जो ये अगर इनकी अगर रियल लाइफ जर्नी की बात करें, तो भाई इनको सबसे ज्यादा जो फेम मिली है, जो नेपाल का जो एक सिंगिंग रियलिटी शो है नेपाल आइडल 2018, वहां से इनको जो है फेम मिली है। और उसके बाद इन्होंने भाई सारे घामापा में इंडिया में भी भाई इन्होंने काम किया। और उसके अलावा इंडियन आइडल 14 में भी एक ये बहुत ही बड़े से बड़ी जो है कंटेस्टेंट बनी, जो आखिर में इनका सफर टॉप 10 तक पहुंच सका। तो यार, ये वो कंटेस्टेंट थी जो टॉप 10 सिंगर्स में भी तक पहुंच चुकी थी। और जो है लास्ट वीक इनको यार एक सॉन्ग मिला था, उनकी जो है ये लिरिक्स भूल गई थी। वेल, वो तो एक लकी हम कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भाई ये जो है अनफॉर्चुनेटली जो है इंडियन आइडल 14 में जो है विनर तो ना बन सकी, लेकिन इन्होंने वहां पे अपनी इनको वहां से भी एक बहुत ही बड़ी से बड़ी जो है फेम मिली। और इसके बाद उन्होंने एक पोलाइटली स्पीच भी की थी कि भाई ये मेरी जो है लाइफ का जो है जो इंडियन आइडल 14 में तो लास्ट ईयर, लेकिन मेरी सिंगिंग यहीं से स्टार्ट होती है। और इनका जो सिंगिंग का जो पेशन है और इनके जो सिंगिंग का जो वी है और इनकी जो नॉलेज है म्यूजिक में, एकदम भाई लोगों के दिल जीत लेती है। और इसके अलावा भाई जो है नेपलीज जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इसका जो है इनका जो स्वागत किया और उनको एक नेशनल ऑनर से नवाजा गया। तो दोस्तों, इनके इनकी लाइफ से देखते हुए हमें बहुत ही बड़ी से बड़ी मोटिवेशन बनती है। मैंने और भी बहुत सी इनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। और इनको जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह मिले हैं, जैसे कि मिसाल तौर सालार है, जो एक बहुत ही बड़े से बड़ा जो है प्रभास और प्रशांत नील का जो है जो प्रोजेक्ट था, उन्होंने भी इन्होंने भाई काम किया है। और अभी जो है कर्मा मीट्स किस्म, यानी जो किस्मत, कर्मा मीट्स किस्मत, यानी जो भी हमारे जो कर्म है उसी जो है हमारी डेस्टिनी तय होती है, उसमें भी इन्होंने जो है प्लेबैक सिंगिंग की है। तो दोस्तों, इसी तरीके से भाई इनको अगर देखा जाए तो भाई सल्यूट इनकी फैमिली को है, जो कि इनको हर स्टेप पे इनको जो है सपोर्ट किया। और वो चलते 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 नेपाल आइडल से लेके सारे गामा पे जैसे इंडियन आइडल यानी 14 तक इनका सफर मजा। और अभी भी इनकी जो सिंगिंग है कंटिन्यू है। और इन्होंने अभी भी अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई ये रेडी है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप इनको सॉन्ग देंगे तो फिर वो गाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों, तो अगर आप मेनका पौडेल के सच्चे फैंस हैं और अगर आपको इनकी आवाज वाकई दिलो जान से अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।